सो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह हमारे मूंग दाल का फैना लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नदीम सादिक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज एक और न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल फ्राई की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कमाल की बनती है। हर तरीके से बनाई होगी, आज आप मेरे तरीके से बनाएं, आपके मूंग दाल फ्राई बहुत ही आला बनेगी। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसे हम किस तरह बनाते हैं। सो फ्रेंड्स मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। 1/4 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं जो है 1/2 kg मूंग दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है, अभी जो हम इसमें सबसे पहले 1 tablespoon ज़ीरा और 3 लाल मिर्च डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम जो है इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज के प्याज लिए, इसको जो है बारीक चॉप कर लिए, ये इसमें डाल देंगे। तो फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे प्याज जो है यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गए। अभी जो हम इसमें 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लहसुन अदरक और प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गए। अभी जो हम इसमें मसाले डाल देंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 teaspoon धनिया पाउडर है, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स है, 1 teaspoon नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 teaspoon गरम मसाला है, 1 chicken cube है और 1/2 teaspoon हल्दी है, ये सब इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अभी जो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो है नीचे ना लगें। एक से दो मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। अभी जो हम इसमें टमाटर डाल देंगे, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, इसका जो है पेस्ट बना लिया, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे टमाटर जो है मिक्स हो गए, हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमें भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं हमारी जो भुनाई है मसाले की बहुत ही अच्छे से हो गई है। आप देख सकते हैं ऑयल वगैरह जो है सेपरेट हो गया। तो अभी जो है हम इसमें दाल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 kg दाल ली थी मूंग की, इसको जो है 5 मिनट के लिए मैंने हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है, तो ये इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने दाल को फुल बॉईल नहीं किया था, 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल किया था ताकि जो हमारी दाल है वो पूरी गल ना जाए। अभी जो बाकी चीज़ जो है हम इस मसाले में इसकी भुनाई करके इसको पका लेंगे अच्छे से। तो दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये देखें फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो है बनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाई हो गई है। अभी जो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब। इसको मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम जो है इसको कवर करके मीडियम आंच पे पकाएंगे इसकी, ताकि इसकी जो बाकी की कसर है वो भी अच्छे से पक जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कवर करके दाल को पकाते हुए हमें जो है 12 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और दाल भी जो है पक चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गई है। सो फ्रेंड्स अब हम जो है इसमें
अदरक डाल देंगे स्लाइस में कटी हुई, हरी मिर्ची और धनिया, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गया, तो हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी है। एक बाउल में निकाल लेंगे, इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो बाउल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखें माशाल्लाह हमारे मूंग दाल का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।